पूजा खत्म होके ये क्या चाय पी रहे हो? हमारी छोटी चाची भी आ गई है और बड़ी चाची भी। अच्छा ये मम्मी ने खुद ने बनाया है लड्डू। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, फिर एक नई सुबह के साथ एक नया व्लॉग बनाते हैं। जैसे हमने कल बताया था आपको कि कल क्या था, यानी कि आज क्या है, मेरा बर्थडे। आज है डुकू का बर्थडे। कभी तू लड़ता है बहुत ज्यादा। अच्छा तू कहाँ जाएगा बर्थडे पे? डुकू भाई का बर्थडे यहीं पर मनाएंगे। बता मैं कहीं और ही मनाऊंगा, आपको बताऊंगा ही नहीं। नहीं बताएगा, बनाएगा कहाँ ये तो बता दे। वो ही नहीं बताऊंगा। गिफ्ट क्या देगा तू भाई को है कबीर? मैं कह रहा हूँ अपने साथ टॉय दे दूंगा, लेकिन ये कह रहा है नहीं तू बच्चों वाले टॉय देता है। बच्चों वाले टॉय देता है? तो यार कबीर तो बच्चा ही तो है, कह दे मैं बच्चा ही तो हूँ तभी तो मैं टॉय देता हूँ। बहुत छोटे छोटे इतने बड़े बड़े है ना। टेडी बियर तो है ना बड़ा। टेडी बियर है बड़ा वाला, पर वो गिफ्ट नहीं करेगा मुझे। वो कर देगा, वो कह रहा है। मैंने बोला सारे टॉय गिफ्ट करूंगा। डुगू अब तो यार ये सारे टॉय दे रहा है, जब तो इसको भी खिला लियो अपने साथ। बोला था तुम बॉल दे रहे हो क्रेजी वाली, कहते कि नहीं मैं नहीं दे रहा अपनी वाइट बॉल। अच्छा तो चलो दूध फिनिश करो फिर कहीं चलते हैं आज, ठीक है? चलो कहाँ चलोगे? नानी हाउस चलेंगे या नानी? नानी यहीं आ जाएगी ना यार थोड़ी देर के लिए। दिल्ली चलेंगे। ओरियो बैठा हुआ है अपने खाने के इंतजार में कि मम्मी आएगी और मेरे को खाना देगी। देखो कितने आराम से। भूख लग रही है? भूख लग रही है तुझको? अभी थोड़ी देर में मिलेगा खाना, ठीक है? तो गाइज डुगू कबीर तो खा रहे हैं मैगी, और देखो ये कौन आई है, नानी जी आई है डुग्गू कबीर की। नानी आई है, दीदी आई है, डुग्गू का है बर्थडे और आज है करवा चौथ भी, तो नानी लेके आई है सामान, ये सारा का सारा, ये सारा सामान लेके आई है नानी। और अभी जा रही है चांदनी और मम्मी जी दोनों कुछ सामान लेने के लिए। देखो मैंने कैसे डेकोरेशन करा है इसका। अच्छा ये मम्मी ने खुद ने बनाया है लड्डू? अरे वाह भाई, ये देखो ये हमारी मम्मी जी ने खुद अपने हाथ से बनाए हैं लड्डू और डब्बे में पैक करके। हाँ लगे ऐसे रहे हैं जैसे बाजार वाले ऐसे मिलते हैं पेड़े से बाजार में, पेड़े नहीं मावे के तो दोस्तों ये बने हुए हैं घर के लड्डू, लेकिन लगे ऐसे रहे हैं जैसे बाजार के हों। ये हमारी मम्मी जी ने अपने हाथों से बनाया देखो, और अब कुछ और दिलाने के लिए ले जा रही है ये चांदनी को। मम्मी और चांदनी तो जा रहे हैं अब कुछ सामान लेने के लिए दोनों के दोनों। दोस्तों मम्मी तो जा रही हैं, चांदनी को गिफ्ट विफ्ट सब कुछ दिला दिया है, पता नहीं क्या क्या दिलवाया, मार्केट गए थे दोनों जने भैया। डुगू माय बाय करो नानी को। यार वहां तक छोड़ के तो आ नानी को। कोई बात नहीं, गेट तक ही छोड़ दे। चलो बाय बाय कर दो। तो दोस्तों आज करवा चौथ भी है तो चांदनी पूजा कर रही है। ये हमारी छोटी चाची भी आ गई है और बड़ी चाची भी, आज ये यहीं पर ही पूजा करेंगी। नहीं आज क्यों करेंगे, पिछले साल भी करी थी। हाँ पिछले साल भी करी थी। हाँ, मतलब करवा चौथ वाले दिन यहीं पर ही करते हो दो साल से। करवा चौथ का व्रत रखा, सारे भाई बोल माँ बोली आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, तब चांद निकलेगा। तभी थोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा थोड़ा छींक मार, मैं उसके पैर पड़ी तो ना बोली करी, उसकी सास बांधी के हाथ बताया, सारी पड़ोसियों ने कहा धोकर करवा चौथ का व्रत, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पूजा खत्म होके ये क्या चाय पी रहे हो? हाँ। चाय डोली कहाँ गई? वो देख रही भैया। तो गाइस थोड़ी सी चाय अब हम भी पी लेते हैं। तो गाइस शाम हो चुकी है, मैं काट रहा हूँ आलू, ये आलू है मेरे हाथ में, ये गोभी काट चुका हूँ मैं। आज हम बनाएंगे आलू गोभी और पूरी रात को। आज है डुगू का जन्मदिन, तो डुगू कह रहा था पापा मेरे को वैसे तो आलू पूरी खानी है, लेकिन फिर आज करवा चौथ का व्रत भी है,
तो चांदनी कहने लगी एक काम करते हैं, आलू गोभी और पूड़ी बना लेते हैं, मैं खाऊंगा। तो दोस्तों दोनों भाई कर रहे हैं अब डिनर। डिनर में बनाया है आलू गोभी पूड़ी और खीर। ये रही, ये आलू गोभी पूड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि आज है डुगू भाई का जन्मदिन। हाँ जी, तो डुगू इस बारी केक नहीं, ठीक है, पता है ना क्यों नहीं केक। गुड बॉय, समझदार हो गया बच्चा। और दोस्तों देखो चांदनी का बुरा हाल हो रहा है भूख की वजह से। मैंने इसको बोला कि कुछ खा ले, लेकिन कह रही है नहीं बस निकलने वाला है चांद, जबकि 9 बज गए और अभी तक चांद निकला नहीं है। वैसे 8 बजे नॉर्मली चांद दिख जाता है, आज वो कह रही है आज वो व्रत रखवा रहा है हमसे। सही है बेटा, सही है। चलो देखते हैं और चांद कब तक निकलता है, 9 तो बजने वाले हैं, यहाँ तो निकला नहीं चांद अभी तक। कोई बात नहीं, छींटे अगर आएगी। पानी में खुद करूंगा, जो आप पानी में खुद करूंगा, ठीक है मम्मा? तो गाइस चांद दिख गया है, चांदनी ने बर्थ भी खोल लिया है, मैंने उसको पानी पिला दिया। बाहर तो हम वीडियो बना नहीं पाए पूरी की पूरी आलू और खीर दोनों से। तो गाइस अब है ये लड्डू की बारी। देखो जो मम्मी जी देके गई थी ये लड्डू खा ले, ये देखिए दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, ये मम्मी जी ने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं ये गाइस, बाजार के नहीं है ये, तो खा के देखिए। डब्बे में लाएंगे, रख के। हाँ डब्बे में रख के लाएंगे। बढ़िया लग रहा है, टेस्टी एकदम। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब हो गए हैं रात के 10:30 और हम करते हैं इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम करते हैं एडिट और आप सब सोइए। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल। बाय।